हेलो स्टूडेंट्स, ये फॉरेस्ट्री का पेपर क्वेश्चन नंबर 86 से एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ये आपका रिलेटेड है फॉरेस्ट सर्वे से। किससे रिलेटेड है आपका ध्यान रखेंगे, ये आपका फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड है। फॉरेस्ट सर्वे ये पहले अपन ने पढ़ा भी है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो भी नेशनल लेवल पे हमारा जो फॉरेस्ट है या हमारा देश का जो वनों का विस्तार है उसको ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री, ठीक है, मतलब आपका त्रिकोणमिति और आपका ज्यामिति के आधार पर जो फॉरेस्ट का कैलकुलेशन या एनालिसिस किया जाता है, यह काम है किसका, आपका फॉरेस्ट सर्वे का। इसके लिए आपका फोटोग्राफी की जाती है। तो फोटोग्राफी करने के लिए जो एरिया डिसाइड किया जाता है वो एरिया क्या होता है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं आपका कि 10,000 स्क्वायर मीटर का होता है 1 हेक्टेयर, तो उसके बेस पर यहां पर फॉरेस्ट का सर्वे किया जाता है, ठीक। तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, द स्केल ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब फॉरेस्ट सर्वे के लिए जो स्केल हम यूज करेंगे या जो पैमाना हम इस्तेमाल करेंगे वो पैमाना क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 1:50,000 पर हेक्टेयर, ठीक है, मतलब एक प्रकार की स्केल है कि 1 हेक्टेयर एरिया में इस रेशियो में 1:50,000 का एक स्केल या पैमाना बनाया गया है, उसके आधार पर फॉरेस्ट का सर्वे किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बना आपका 1:50,000 विथ मिनिमम मेपेबल एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये पहला वाला आंसर बना इसका। नेक्स्ट यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 87, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज, ठीक है, मतलब अपने को जो क्रॉप इंप्रूवमेंट मतलब जो फसल का उत्पादन है उसमें इंप्रूवमेंट करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो बहुत कुछ इसमें हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अपन इसमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो ये संकरण हमको कैसा कराना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूं, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 87, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो देश में प्रोग्राम चल रहा है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर आंसर बना है आपका डी वाला आंसर बना है। अब हम इसको समझते हैं, यहां पर देखो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है आपका, ये इंट्रा स्पेसिफिक, पहला क्या बोल रहा है आपका ध्यान रखना है, ये इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा ऑप्शन आपको बोल रहा है ये इंटर स्पेसिफिक, दूसरा क्या बोल रहा है ध्यान रखेंगे आपका, ये इंटर स्पेसिफिक। और थर्ड नंबर पे आपको बोल रहा है ये इंटर वेराइटल, थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है आपका, ये इंटर वेराइटल, ठीक है, इंटर वेराइटल, ये हो गया आपका इंटर वेराइटल, ये हो गया यहां पर, ठीक, ये हाइब्रिडाइजेशन। और इसका आंसर क्या बना आपका, ए एंड सी, डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, आंसर इसका बन रहा है ए और सी, ये इसका आंसर है। बोलने का मतलब ये अपने को काम देगा और ये काम देगा, ये काम क्यों नहीं देगा ये अपन समझ जाते हैं। देखिए जैसे कोई भी हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हम किसमें कराएंगे, ध्यान रखना इंटर और इंट्रा स्पीसीज दो होता है। तो इंट्रा, इंट्रा बोलने का मतलब मैं ये बोलता हूं आपका, ये देखिए ये आपके पास क्या है, रोज की अलग अलग वैरायटी है, कोई आपका रेड फ्लावर है, कोई आपका सफेद गुलाब है, कोई आपका और मतलब एक वैरायटी है, मतलब सभी का रोज की वैरायटी है। तो गुलाब की अलग अलग जो किस्म है इनके बीच में हम संकरण कराएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रा कहलाएगा। या चावल की अलग अलग किस्म पे यदि हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं वो इंट्रा कहलाएगा, मतलब अलग अलग वैरायटी है ये, मतलब ये जितने भी प्रकार के रोज हम देख रहे हैं तो ये सभी की स्पीसीज क्या है, एक ही स्पीसीज है, इंट्रा आयोजन में, और एक ही स्पीसीज की ये अलग अलग वैरायटी हैं, इनके बीच में क्रॉस पॉसिबल है। उसी तरीके से हम राइस की बात कर रहे हैं, चावल की बात कर रहे हैं,
तो राइस की जितनी भी स्पीसीज है वो सब इंट्रा स्पीसीज कहलाएंगी, लेकिन वैरायटी अलग अलग है। ठीक, तो ये सब चीजें आपका इंट्रा स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। इंटर वैरायटल, ठीक है, मतलब ये वैरायटी, ये वैरायटी अलग हो गई या वैरायटी क्या हो गई, अलग हो गई, लेकिन है तो ये रो भी, इनके बीच क्रॉस यहां पर संभव है, लेकिन हम बोल दें इंटर स्पीसीज ये पॉसिबल नहीं होता है। इंटर स्पीसीज बोलने का मतलब क्या होता है कि हम सोचें कि आपका मेरीगोल्ड का हाइब्रिडाइजेशन कराएं रोज के साथ, ये पॉसिबल नहीं है। या हम ये सोचें कि व्हीट का हाइब्रिडाइजेशन कराएं राइस के साथ, तो व्हीट और राइस का जो अपन हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्पीसीज कहलाएगा। यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये चीज पॉसिबल है। इंटर वैरायटल, इंटर वैरायटल मतलब एक ही स्पीसीज की जो अलग अलग वैरायटी हैं वो क्या कहलाएंगी, इंटर वैरायटल कहलाएंगी। और ये क्या है आपका इंटर स्पीसीज, इंटर स्पीसीज मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर जो अलग अलग वैरायटी है, तो ये दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कैसा है जो मैंने बताया अभी आपको कि आप गुलाब का संकरण कराएं गेंदे के साथ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, जबकि ये दोनों हमारा आंसर यहां पर बन रहा है। तो आपका ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या बना आपका, यहां पर डी आंसर बना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑपरेट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। आपने पढ़ा है कि भाई मेंडल का जो लॉ है या मेंडल का जो नियम है, तीन नियम इन्होंने दिया था, लॉ ऑफ हेरिडिटी से रिलेटेड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपयून का नियम। तो बोलने का मतलब यह है कि भाई मेंडल का नियम अप्लाई कब हो पाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मेंडल का नियम आपने क्या पढ़ा, जितने बार भी आपने पढ़ा कि भाई आपके पास क्या है, एक प्लांट है, इसके पास ये जीन्स क्या है, कैपिटल टी कैपिटल जीन्स है, ये दूसरा ड्वार्फ प्लांट है, इसका जीन्स क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी है, ये गैमेट बनाया, गैमेट कैसा बनाया, कैपिटल टी बनाया, ये गैमेट बनाया, ये क्या हुआ आपका स्मॉल टी हुआ, इसके बाद इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मतलब क्या हुआ, ये कहलाएगी आपका एफर्म जनरेशन। तो रिजल्ट आया है किससे आया है, फर्टिलाइजेशन से रिजल्ट आया है। कि मेंडल ये बोल रहा है कि इन एफर्म जनरेशन द जीन्स ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर विद टुगेदर बट एक्सप्रेस ओनली द जीन्स ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब एक फन पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी जीन्स साथ साथ रहते हैं, लेकिन अव्यक्त केवल प्रभावी लक्षण का जीन्स होता है। तो मेंडल का लॉ का जो एप्लीकेशन है या जो इसका यूटिलाइजेशन है कब होगा ये, तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हो रहा है तो मेंडल का लॉ क्या है ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे 88 का आंसर क्या बना आपका, सी आंसर बना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, मतलब वन में जो मृदा पाई जा रही है उसका करेक्टर क्या है, या जो फॉरेस्ट सॉइल है इसका करेक्टर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो फॉरेस्ट सॉइल होगी, फॉरेस्ट सॉइल में क्या है आपका, सफिशियंट अमाउंट में लीटर पाया जाता है। लीटर मतलब क्या हो गया, फ्रेश लीफ। ठीक है, मतलब हम ये बोल रहे हैं आपका फॉरेस्ट सॉइल की हम बात कर रहे हैं, ये आपका फॉरेस्ट का एरिया हो गया। तो यहां पर क्या है आपका, ये जो ट्रीज वगैरह है आपका, ये फॉरेस्ट ट्री है, इससे पत्ती वगैरह टूट करके गिरेगी, ये पड़ी हुई है यहां पर, इसकी ब्रांच वगैरह रहेंगी, तो इसको अपन जो यहां पर फ्रेश रहता है ये फ्रेश, ठीक है, फ्रेश लीफ वगैरह, ये क्या कहलाता है, ध्यान रखना आपका ये लीटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। और अगर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंफेक्शन हो जाएगा तब इसको डफ बोलते हैं। मतलब ये जो फ्रेश है तब तक ये लीटर कहलाएगा, कचरा कहलाएगा, लेकिन जब इसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उस कंडीशन को डफ कहा जाएगा, DUFF डफ। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो ये फॉरेस्ट सॉइल का क्या क्या करेक्टर है। तो यहां पे पहला पॉइंट बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ लीटर विथ एन एसोसिएटेड माइक्रो फ्लोरा एंड फौना। मतलब आपको ध्यान रखना है फॉरेस्ट सॉइल में आपका लीटर उपस्थित रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेल डिस्टिंक्ट होरिजन।
तो आपको ध्यान रखना है कि मृदा कहीं की भी हो, स्पेशली उसमें होरिजन पाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने भी क्लियर किया है कि फाइल को अपन लेयर, मतलब फाइल के जो अलग अलग लेयर को होरिजन बोलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है होरिजन ओ ए बी सी आर, पांच प्रकार के होरिजन पढ़े हैं। तो सेम यही होरिजन आपको जो फॉरेस्ट की फाइल है वहां पर भी पाया जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर बना वन एंड टू आंसर बना है। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज लोअर देन एग्रीकल्चर सॉइल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है ये सफिशियंट रहेगा, लोअर नहीं रहेगा, पर्याप्त मात्रा में रहेगा। क्योंकि भाई जो फ्रेश लीफ है उसका डीकम्पोजिशन होने के बाद जो कार्बन और नाइट्रोजन है तो सॉइल में ही जाकर के मिक्स होगा, तो इस सॉइल में भी सफिशियंट अमाउंट में कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। फोर्थ नंबर बोल रहा है नेचुरल सॉइल प्रोफाइल एंड होरिजन आर अब्सेंट, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेस्ट सॉइल होगी वहां पर सफिशियंट अमाउंट में लीटर पाया जाएगा, मतलब फ्रेश लीफ स्टॉक ये सब प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा यहां पर जो नेचुरल होरिजन होते हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। तो यहां पर 89 का आंसर बना आपका डी, वन एंड टू ओनली यही ट्रू है और बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 90, इन सॉइल फार्मिंग प्रोसेस पोडोजोलाइजेशन अकर व्हेन, ठीक है। तो यहां पर आपको यह देखना है पोडोजोलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं कि प्रोसेस है क्या चीज। ये टर्म हमारे पास ध्यान दीजिए, एक एक टर्म है, ये हो गया आपका पोडोजोलाइजेशन, एक टर्म यह है हमारे पास। और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है ध्यान रखना, ये हम पढ़ते हैं लिटरलाइजेशन, ये क्या हो गया आपका, ठीक है। दूसरा टर्म हमारे पास क्या रहेगा ध्यान रखेंगे, ये भी अपने को आ जाएगा यहां पर, ठीक है। लिटरलाइजेशन ये वर्ड हमारे पास क्या है, ये लिटरलाइजेशन, ये दो टर्म है, दोनों टर्म को हम समझ जाते हैं यहां पर। देखिए ये जो पोडोजोलाइजेशन है, तो ये पोडोजोलाइजेशन इसका मतलब क्या है कि आपका यहां पर क्या है, ये ह्यूमस है, क्या हो गया आपका, ये ह्यूमस है, ठीक है। और ह्यूमस में यहीं पर प्रेजेंट होता है, आप ध्यान रखेंगे सेस्क्वी ऑक्साइड, क्या उपस्थित रहेगा, ये सेस्क्वी ऑक्साइड, ये उपस्थित रहेगा, सेस्क्वी ऑक्साइड हो गया। इसके बाद क्या है आपका, ये दो चीजें यहां पर मेन हमारी हैं। तो ये जो हमारा आंसर बना है 90 का, इन सॉइल फार्मिंग प्रोसेस पोडोजोलाइजेशन अकर व्हेन, पोडोजोलाइजेशन कब होगा, तो पहला वाला आंसर बना कि यहां पर ह्यूमस रहेगा, ह्यूमस में आपका रहेगा नेट सेस्की ऑक्साइड एंड क्ले गो डाउन इन होरिजन बी बाय परकोलेशन फ्रॉम होरिजन ए। तो अब ये जो पहला मैं समझाता हूं आपको कि पोडोजोलाइजेशन है क्या चीज, उसके बाद अपन देखेंगे लेटरलाइजेशन को देखेंगे अपन, ठीक है, लेटरलाइजेशन इसको देखा जाएगा। तो पहले हम यहां पर देख रहे हैं आपका कि ये पोडोजोलाइजेशन क्या है। तो ये आप देखिए, आपको मालूम है कि सॉइल में जो होरिजन होता है, पहला होरिजन कौन सा होता है, ए होरिजन, जिसमें हमने आपको बताया था, ठीक है, कि यहां पर आपका ह्यूमस वगैरह रहेगा आपका, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये बी होरिजन है। तो यहां पर क्या है आपका कि ये जो ह्यूमस है, ये ह्यूमस, ठीक है, और ह्यूमस के अलावा हमारे पास जो सेस्क्वी ऑक्साइड है, और आपका क्या है, ये सेस्क्वी ऑक्साइड, ये, तो ये आपका यहां से जब पानी बारिश होगा तो ये क्या होगा आपका, ये ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें आपका ट्रांसफर हो जाएगा, होरिजन बी में ट्रांसफर होगा। कौन ट्रांसफर हो रहा है यहां पर, ह्यूमस और आपका सेस्क्वी ऑक्साइड, ये आपका परकोलेशन, ये प्रोसेस क्या कराती, ध्यान रखेंगे आपका परकोलेशन। तो परकोलेशन की प्रोसेस से जब ह्यूमस के जो सब्सटेंस हैं या जो सेस्क्वी ऑक्साइड के जो सब्सटेंस हैं होरिजन ओ से ट्रांसफर हो जाए, कहां पर आपका, बी में ट्रांसफर हो जाए, जस्ट लाइक लीचिंग, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपका, परकोलेशन, या इसी को हम क्या बोल देंगे यहां पर, ध्यान रखना है ये लीचिंग। मतलब यहां पर आपका क्या हो रहा है कि जो ह्यूमस है और
फिस्की ऑक्साइड है, फिस्की ऑक्साइड बोलने का मतलब होता है सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है। आयरन और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट हैं वही क्या कहलाते हैं यहां पे, फिस्की ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ह्यूमस और फिस्की ऑक्साइड मीन्स आयरन एंड एल्यूमिनियम परकोलेट आर, ठीक है, फ्रॉम होरिजन ए टू होरिजन बी, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोडोजोलाइजेशन। आया समझ में ये कि आपका होरिजन ए से ह्यूमस और फिस्की ऑक्साइड ये ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पर, आपका होरिजन बी में। ये प्रोसेस क्या कराएगी, परकोलेशन, या इसी को अपन बोलते हैं लीचिंग के नाम से जानते हैं। और ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कराएगी, आपका पोडोजोलाइजेशन। और इससे जो एक प्रकार की सॉइल फॉर्मेशन की ये मैकेनिज्म है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी तरीके से जो अपन पढ़ते हैं लेटराइट सॉइल फॉर्मेशन के समय, वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपका लेटरलाइजेशन, वो प्रोसेस क्या कहलाती है लेटरलाइजेशन। तो लेटरलाइजेशन मीन्स वो क्या है एक्चुअल में, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वो प्रोसेस क्या है आपका वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस बोलने का मतलब क्या है आपका, कि जैसे आप देखेंगे यहां पर ये हो गया आपका डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर आई एन जी, तो वेदरिंग ये आपका वेदरिंग। वेदरिंग की प्रोसेस कहां पर होती है ध्यान रखेंगे, स्पेशली आपका माउंटेन स्लोप, कहां पर होती है वेदरिंग की प्रोसेस आपका माउंटेन स्लोप या पर्वतीय ढलान में। और ये जब हैवी रेनफॉल होता है तो हैवी रेनफॉल के कारण ये जो रॉक्स है इसके छोटे छोटे पार्टिकल टूट टूट करके, मतलब प्रोसेस सेम नहीं रहेगी, मतलब यहां पर भी लीचिंग और परकोलेशन की प्रोसेस होगी। बस डिफरेंस ये है कि जो पोडोजोलाइजेशन है ये कहां पर हो रहा है आपका, फॉरेस्ट वाला जो एरिया है या जहां पर ह्यूमस सफिशियंट है उससे संबंधित है ये, जबकि जो लेटरलाइजेशन है ये रिलेटेड है कहां से आपका, पर्वतीय ढलान या माउंटेन स्लोप से रिलेटेड है। और हैवी रेनफॉल के कारण जो आपका रॉक्स है, पर्वतीय क्षेत्र की जो चट्टाने हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपका वेदरिंग कहलाती है। तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि पोडोजोलाइजेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ सॉइल फॉर्मेशन व्हाइल द लेटरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये बात अलग है कि उस वेदरिंग की प्रोसेस से आगे चल करके लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान रखेंगे कि चाहे पोडोजोलाइजेशन हो या लेटरलाइजेशन हो, दोनों ही जगह लीचिंग और परकोलेशन की प्रोसेस होती है। दोनों ही जगह आपको आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहां पर सफिशियंट अमाउंट में पाया जाएगा, और ये सतह से आपका कहां चला जाएगा, आपका डीपली अंडरग्रोथ या मृदा की गहराई में ये ट्रांसफर होने लगते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर। तो ये कंप्लीट हुआ आपका 90 इन सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस पोडोजोलाइजेशन अकर, ठीक है, पोडोजोलाइजेशन अकर ये कहां पर पाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये 90 नंबर का क्वेश्चन हुआ ए, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, स्पेलिंग इसकी एक चीट है, ये क्या है आपका पोडोजोलाइजेशन, क्या है आपका ध्यान रखेंगे पोडोजोलाइजेशन, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 90 यहां पर कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। मिलते हैं नेक्स्ट।